फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इसे हम लोग एक बार 9th में पढ़ते हैं और फिर 11th में पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो कि इनसॉल्युबल हो, है ना, उसको किसी लिक्विड में जब डुबाया जाता है तो जितना वॉल्यूम उसका लिक्विड के अंदर डूबा होता है उतना लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हो जाता है, है ना। और जब उतना लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है तो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल एक फोर्स ऊपर की तरफ सॉलिड ऑब्जेक्ट पर लगता है जिसको कि हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स या बायंसी फोर्स कहते हैं, है ना। जैसे देखेंगे यहां हमने फिगर बनाया है, इसमें ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका ये वी एस वॉल्यूम जो है ये सबमर्ज्ड है, लिक्विड के अंदर ये डूबा हुआ है, ठीक है। ये वॉल्यूम इसका लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जितना वॉल्यूम इसका लिक्विड के अंदर डूबा है, यहां पर पहले लिक्विड हुआ करता था, यानी यहां पर जो लिक्विड था वो अब डिस्प्लेस हो चुका है, ठीक। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया उसका अगर हम लोग वेट फाइंड करें तो वेट के इक्वल एक फोर्स इस सॉलिड पर ऊपर की तरफ लगता है जिसको कि हम लोग बायंसी फोर्स कहते हैं, ठीक। तो मैं इस प्रिंसिपल को एक बार लिख देता हूं। ये होता है कि व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड का मतलब हो गया पार्शियली भी सबमर्ज कर सकते हैं, कंप्लीटली भी सबमर्ज कर सकते हैं, है ना, पार्शियली और कंप्लीटली इनसाइड अ लिक्विड देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गेट्स डिस्प्लेस्ड, ठीक। तो यहां हमने क्या बताया कि जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर पार्शियली और कंप्लीटली डुबाया जाता है तो जितना सॉलिड का वॉल्यूम इसमें डूबा है उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक। अब कहते हैं कि अ फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एक्ट्स ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज नोन एज बायंसी फोर्स। मैं इसको इधर लिख देता हूं, बायंसी फोर्स, ठीक। तो आप देखेंगे कि हमें यहां पर बायंसी फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो बायंसी फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एफ बी जो है यानी कि जो बायंसी फोर्स है वो इसमें ऊपर की तरफ लगता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है यहां पर कि जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वॉल्यूम सबमर्ज सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल है।
आप देखेंगे कि ये जो बाउंड्री मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये बाउंड्री जो है इतना सॉलिड लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है ना, यानी कि ये जो वॉल्यूम है Vs, ये वॉल्यूम लिक्विड के अंदर डूबा है, और जितना वॉल्यूम सॉलिड का यहां डूबा है, यहां पर पहले लिक्विड हुआ करता था जो कि डिस्प्लेस हो चुका है अभी। तो हम लोग एक टर्म लिखेंगे यहां पर Vs। Vs क्या है, ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और ये जो एक्चुअली में ये है वॉल्यूम ऑफ, या कह सकते हैं इसको सबमर्ज्ड वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये दोनों इक्वल है ना। जितना सॉलिड का वॉल्यूम इसमें डूबा हुआ है सबमर्ज्ड है, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जिसको हमने Vs कहा है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और रो एल जो है हम लोग ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो आप यूं समझें कि डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम इतना है और उसकी डेंसिटी जो है वो इतना है रॉयल, तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास कितना होगा, तो ये वॉल्यूम में अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास हो गया, और अगर इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट हो गया, है ना। तो इस तरह से बायांसी फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि बायांसी फोर्स कैलकुलेट करते टाइम में हम लोग डेंसिटी किसका लेंगे, लिक्विड का, और वॉल्यूम किसका है, कहने के लिए है डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, लेकिन हम लोग फाइंड करेंगे सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना, जो कि डिस्प्लेस लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल होगा और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से बायांसी फोर्स जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, अब कई बार हमें ये डाउट होता है कि ये बायंसी फोर्स और जो प्रेशर के कारण से फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर, क्या वो डिफरेंट है। उसको समझने के लिए मैं एक फिगर बना रहा हूं, आप ये समझें कि यहां पर एक सिलिंड्रिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये किसी लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। इसका जो हाइट है वो h है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ले लेंगे a, ठीक। तो आप इसको ऐसे समझें कि यहां पर जो प्रेशर है मान लिया p1 इस पॉइंट पर, और यहां पर प्रेशर हमने ले लिया p2, ठीक है। तो अगर ऐसा करें कि यहां पर ये जो डेप्थ है ये मान लिया h1 डेप्थ है और ये जो है ये h2 डेप्थ है, ठीक। तो p1 की जो वैल्यू है हम लोग लिख सकते हैं रो g इंटू एच वन, है ना, लिक्विड के कारण से यहां पर प्रेशर जो आएगा रो g एच वन आएगा क्योंकि h1 नीचे है। उसी तरह से p2 की जो वैल्यू है हुई, इस p2 वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे रो g इंटू एच टू, ठीक। रो क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी है, तो मैं यहां पर रो एल लिख देता हूं। तो यहां पर प्रेशर हो गया रो एल जी एच वन और नीचे प्रेशर हो गया रो एल जी एच टू, ठीक। अब देखेंगे कि चूंकि पी टू जो है वो बड़ा होता है पी वन से, है ना, तो नीचे से लगने वाला जो फोर्स है वो बड़ा होगा ऊपर से लगने वाले फोर्स से। तो नेट फोर्स अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में निकालूं, इसको हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स कह सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा P2 इंटू इसका एरिया, तो P2 इंटू एरिया ऊपर लगेगा, तो इसको मैं लिखता हूं P2 इंटू ए माइनस ऊपर से नीचे की तरफ यहां फोर्स लगेगा P1 इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू ए, ठीक।
अब P2 और P1 की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो यहां पर G जो है वो कॉमन हो जाएगा और रो एल भी कॉमन हो जाएगा, तो रो एल इंटू जी ये हो जाएगा H2 माइनस H1 इंटू ए, तो रो एल जी H2 माइनस H1 जो है देखेंगे ये हमने H2 लिया है और ये H1 लिया, तो H2 माइनस H1 क्या होगा इस सिलेंडर का या ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं H इंटू ए। अब देखेंगे कि H इंटू ए क्या है, H इंटू ए इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो गया, तो क्या मैं इसको सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकता हूं, क्योंकि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम है ये H इंटू ए और ये पूरा वॉल्यूम इसका डूबा हुआ है, तो इसको हम लोग सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कि आया रो एल इंटू वी एस इंटू जी, ये जो फोर्स है एक्चुअली में इस बायंसी फोर्स के इक्वल आया, ठीक। तो अल्टीमेटली जो बायंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया, क्योंकि जो प्रेशर डिफरेंस है ऊपर और नीचे में, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगता है वही फोर्स ऑफ बायंसी है। तो अगर कभी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर हमें फोर्स निकालना हो तो आप ध्यान रखेंगे कि बायंसी फोर्स और ये दोनों फोर्स एक साथ में कभी काउंट नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए समझाया है ना, या तो ये प्रेशर की वजह से फोर्स निकालेंगे या बायंसी फोर्स निकालेंगे, दोनों में से कोई एक ही निकालना है क्योंकि दोनों सेम रिजल्ट देंगे और एक ही फोर्स है एक्चुअली में दोनों, ठीक है। तो कभी भी दोनों काम एक साथ में नहीं करना है, ठीक। तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही बताया कि ये वाला और ये वाला एक ही चीज है, हम लोग याद रखेंगे ये वाला क्योंकि ये कैलकुलेट करना हमेशा आसान होता है। तो अब देखेंगे कि ये जो बायंसी फोर्स है ये तब आएगा जब अपना कंटेनर हो या लिक्विड हो स्टेशनरी हो, व्हेन लिक्विड इज स्टेशनरी, है ना, मतलब कि लिक्विड जो है कंटेनर के साथ में ऊपर या नीचे या साइड में कहीं नहीं चल रहा है तब ये बायंसी फोर्स है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा है उसको लिफ्ट के अंदर रख करके ऊपर ले जाया जा रहा हो या नीचे ले जाया जा रहा हो, तो जब उसमें एक्सेलरेशन आ जाए कंटेनर में या लिक्विड में तब बायंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने एक फिगर बनाया है जिसमें एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड में सॉलिड का कुछ वॉल्यूम डूबा हुआ है, ये जो वॉल्यूम है फिर से वीएस ले लेते हैं, इतना वॉल्यूम सॉलिड का लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है और ये पूरा जो सिस्टम है वो किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो इस केस में भी हम लोग बायंसी फोर्स फाइंड करेंगे लेकिन बायंसी फोर्स निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, तो बायंसी फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो कंटेनर है उसको ऑब्जर्वर मान लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे, स्यूडो फोर्स लगा करके तब जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वेट फाइंड करेंगे और उतना ही बायंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। तो इसको एफ बी ही लिखते हैं, एफ बी जो बायंसी फोर्स होगा इस बार होगा रो एल यानी लिक्विड की डेंसिटी सबमर्ज्ड वॉल्यूम वी एस इंटू जी प्लस ए। अब ये जी प्लस ए कैसे आया, आप ऐसे समझें कि ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है ऐसे समझना है कि जहां पर सॉलिड है यहां पर जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है यहां पर पहले लिक्विड हुआ करता था, तो इस लिक्विड का वेट निकालेंगे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड
लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में हमें वेट निकालना है। तो पहला काम तो ये हो गया रो एल वी एस इंटू जी, ये एक्चुअल में वेट हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और चूंकि ये कंटेनर ऊपर जा रहा है, अगर हम लोग कहें कि इस पर एक ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर खुद भी ए से जा रहा होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में एक स्यूडो फोर्स आएगा नीचे, है ना। एक स्यूडो फोर्स नीचे आएगा, वो कितना आएगा, इसका मास डिस्प्लेस लिक्विड का मास जो कि रो एल इंटू वी एस होगा, डिस्प्लेस लिक्विड का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो इतना एक्चुअली में वेट था और ये एक स्यूडो फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उस डिस्प्लेस लिक्विड पर। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा रो एल वी एस इंटू जी प्लस ए। तो यही वाला जो वैल्यू है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, कि जो बायंसी फोर्स है कंटेनर के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगा रो एल वी एस इंटू जी प्लस ए। अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो यहां पर प्लस आ रहा है, जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो यहां पर माइनस साइन आएगा। ठीक, तो हम लोग इसको वैसे भी कह सकते हैं कि व्हेन एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड उस कंडीशन में जो बायंसी फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा रो एल वी एस इंटू जी माइनस ए। तो बायंसी फोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तब है जब व्हेन कंटेनर और लिक्विड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स। तो दो तरीके से बायंसी फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है, एक तो तब जब कंटेनर स्टेशनरी हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और दूसरा केस तब आएगा जब कंटेनर एक्सेलरेटेड हो। तो जब एक्सेलरेटेड होगा तो रो एल वी एस इंटू जी प्लस ए या जी माइनस ए आएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर। ठीक, तो इससे रिलेटेड हम लोग एक दो अभी एग्जाम्पल करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें एक कंटेनर दिया गया है और कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा है, फिर एक ब्लॉक है जिसका आधा वॉल्यूम लिक्विड से बाहर है और आधा वॉल्यूम जो है वो इस लिक्विड में डूबा हुआ है। ठीक, जब इनिशियली ये तब है जब ये कंटेनर स्टेशनरी है। हमसे पूछा गया है कि जब ये कंटेनर एक्सेलरेट हो जाएगा ऊपर की तरफ तब इसका कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है वो डूबा होगा, है ना। क्वेश्चन में ये दिया गया, इनिशियली हाफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड क्यूब इज समर्ज्ड व्हेन सिस्टम इज स्टेशनरी, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम समर्ज्ड इनसाइड लिक्विड व्हेन सिस्टम इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स। एक्सेलरेशन भी दे दिया गया है, है ना। एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ए है, जब ए एक्सेलरेशन होगा तब इसका कितना वॉल्यूम डूबा होगा ये हमें बताना है। तो एक दूसरा फिगर बना लेते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो वी एस वॉल्यूम है ये डूबा हुआ है अभी, पहले ये वी बाय टू था अब जो है ये वी एस है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका इक्विलिब्रियम चेक करेंगे, इक्विलिब्रियम जब ये रेस्ट पर था तब। जब ये सिस्टम रेस्ट पर होगा तो देखेंगे कि जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का वेट mg नीचे लग रहा होगा और बायंसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा। मान लेते हैं इसकी डेंसिटी है सिग्मा और लिक्विड की डेंसिटी है रो, तो इस पर जो बायंसी फोर्स लगेगा सिर्फ इस पार्ट पर बायंसी फोर्स लगेगा, तो बायंसी फोर्स हो जाएगा रो वी बाई टू इंटू
जी है ना, ये वी बाई टू क्या है, ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम है इनिशियली जब ये सिस्टम रेस्ट पर था, तो ये बायंसी फोर्स हो गया जो कि ऊपर की तरफ लगता है और ये उसका वेट होगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा। एम को लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू वी, अगर इस ब्लॉक का डेंसिटी सिग्मा हमने लिया है और टोटल वॉल्यूम है वी, तो सिग्मा इंटू वी इसका मास हो गया इंटू जी इज इक्वल टू रो वी बाई टू इंटू जी। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो सिग्मा है ये हो गया रो बाई टू के इक्वल। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले कंडीशन में, जब ये सिस्टम एक्सेलरेटेड है, इक्विलिब्रियम व्हेन एक्सेलरेटेड, तो जब एक्सेलरेटेड होगा ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से, तब जो है नीचे की तरफ इस पर दो फोर्सेज लगेंगे, कौन कौन से फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा इसका वेट, इस ब्लॉक का वेट, और कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, कंटेनर के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि एक्सेलरेटेड होगा सिस्टम। तो ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, कंटेनर खुद ही किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर, तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो एक तो उसका खुद का अपना वेट हो गया एम जी, और दूसरा हो गया स्यूडो फोर्स एम इंटू ए, ये सारा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक, और ऊपर की तरफ जो बायंसी फोर्स लगेगा वो बायंसी फोर्स लगेगा रो इंटू वी एस इंटू जी प्लस ए, जैसा कि अभी मैंने यहां पर बताया, इस फॉर्मूले हमने बताया कि अगर सबमर्ज्ड वॉल्यूम वी एस पता हो तो एक्सेलरेटेड वाले कंडीशन में हम लोग बायंसी फोर्स ऐसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू जी प्लस ए, तो वही कंडीशन मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि एम जो है, एम की वैल्यू हमने सिग्मा भी पहले भी निकाल रखा है, तो यहां पर एम इंटू जी प्लस ए हो गया, एम का मतलब सिग्मा वी इंटू जी प्लस ए हो गया, और इधर जो है ये हो गया रो वी एस इंटू जी प्लस ए, तो ये जी प्लस ए इधर से और जी प्लस ए इधर से कैंसिल हो गया। ठीक, और हमें जो पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन था वहां से एक वैल्यू मिला है सिग्मा इज इक्वल टू रो बाई टू, तो सिग्मा को मैं यहां से लिख देता हूं रो बाई टू इंटू वी रो इंटू वी एस, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि वी एस बाई वी ये वन बाई टू आ रहा है क्योंकि ये जो रो है वो कैंसिल हो गया। अब इसका कंक्लूजन ये है कि टोटल वॉल्यूम जो ब्लॉक का या क्यूब का था वो वी था और सबमर्ज वॉल्यूम है वी एस, तो दोनों का जो रेशियो है ये वन बाई टू आया, यानी अभी भी आधा वॉल्यूम ही डूबा हुआ है। जब ये रेस्ट पर था सिस्टम तब भी आधा वॉल्यूम डूबा था, और जब ये एक्सेलरेटेड हो गया तब भी आधा वॉल्यूम इसका डूबा हुआ है, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो पहले डूबा था उतना ही अभी भी डूबा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि आपको लगता होगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो इसको ज्यादा डूबना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, इस पर एक स्यूडो फोर्स भी बढ़ गया है, नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स इस पर भी बढ़ गया है, लिक्विड पर भी स्यूडो फोर्स लग रहा होगा इधर, और इसकी वजह से फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है डूबा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा है और एक ब्लॉक है जिसको एक स्ट्रिंग से नीचे की तरफ यहां पर बेस के साथ में अटैच कर दिया गया है। क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम है, मैं डेंसिटी मान लेता हूं सिग्मा है, सिग्मा हमें दिया नहीं गया है, है ना, मैं मान लेता हूं डेंसिटी सिग्मा है, लिक्विड की डेंसिटी रो है। ठीक, तो सिग्मा जो है वो रो से कम है, तो क्या होगा, बायंसी फोर्स ज्यादा लग रहा होगा कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है टी नॉट। ठीक, अब क्या हुआ कि इस सिस्टम को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया गया, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया गया, तो हमें बताना है कि अब यहां पर टेंशन कितना होगा।
ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ टी नॉट दिया हुआ है, ये सिग्मा और रो नहीं दिए गए हैं। सिग्मा और रो हमें दिए नहीं गए, हम लोग यूज करेंगे। सिर्फ इसमें एक तो टी नॉट दिया गया है और एक एक्सेलरेशन दिया गया है, और जी हमें पहले से पता होता है। तो टी नॉट ए और जी के टर्म में हमें नया वाला जो टेंशन होगा यहां पर उसको फाइंड करना है। ठीक, तो जब सिस्टम रेस्ट पर है तब तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां पर इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखेंगे कि इस पर एक नीचे की तरफ mg फोर्स आएगा, ऊपर की तरफ एक बायंसी फोर्स आएगा और नीचे की तरफ एक टेंशन होगा, है ना। तो ऊपर की तरफ है बायंसी फोर्स और नीचे की तरफ mg प्लस टी नॉट। बायंसी फोर्स होगा इसमें रो इंटू वी इंटू जी, इसका टोटल वॉल्यूम मैंने वी मान लिया है। तो रो वी जी, रो क्या है, लिक्विड डेंसिटी है, वी ये जो पूरा है ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, इंटू जी। अब एम जी इसका मास कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू वी, सिग्मा इसकी डेंसिटी ले लिया ब्लॉक का, तो सिग्मा और इसका वॉल्यूम वी से मल्टीप्लाई करें तो मास आ जाएगा, इंटू जी प्लस टी नॉट। ठीक है, एक तो इक्विलिब्रियम से कंडीशन ये आ गया। अब आते हैं यहां पर, यहां पर क्या होगा कि यहां पर अभी एक तो इसका खुद का mg लगेगा, फिर साथ में एक स्यूडो फोर्स भी आएगा क्योंकि कंटेनर के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम देखेंगे। यहां भी हम लोग इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कंटेनर के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये एक्सेलरेटेड है, इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखने का मतलब समझे, कंटेनर पर एक ऑब्जर्वर बैठा है जो कि ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स आएगा एम ए, और ऊपर की तरफ एक बायंसी फोर्स आएगा। बायंसी फोर्स इस केस में होना चाहिए रो वी इंटू जी प्लस ए, है ना। तो ऊपर की तरफ एक बायंसी फोर्स है एफ बी इज इक्वल टू रो वी इंटू जी प्लस ए। एक्सेलरेटेड कंडीशन में हम लोग बायंसी फोर्स ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड समवाज वॉल्यूम सॉलिड इंटू जी प्लस ए। ठीक, और ये तो हो गया फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। नीचे लगने वाला फोर्स एक तो एम जी है, फिर एक स्यूडो फोर्स है और एक टेंशन भी है। ये टेंशन भी इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, रो वी जी प्लस ए, यहां पर जी प्लस एम कॉमन हो जाएगा तो जी प्लस ए आ जाएगा बाहर, तो हम लोग एम की वैल्यू भी लिखेंगे, तो सिग्मा इंटू वी इंटू जी प्लस ए प्लस टी। तो यहां से टी की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी प्लस ए। ठीक, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि अगर टी नॉट की वैल्यू निकालें, टी नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी, है ना। तो यहां से रो माइनस सिग्मा इंटू वी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा टी नॉट बाई जी, और ये वाली जो वैल्यू यहां से आया इसको हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें रो माइनस सिग्मा इंटू वी का वैल्यू टी नॉट बाई जी यहां पर रखेंगे, तो टी नॉट बाई जी इंटू जी प्लस ए। तो फाइनली कहा जा सकता है कि जो टेंशन है वो हो गया टी नॉट वन प्लस ए बाई जी। तो ये जो टेंशन है वो पहले से बढ़ गया है, वन प्लस कुछ आया है, इसकी वैल्यू वन से ज्यादा होगी तो टी जो होगा वो टी नॉट से ज्यादा आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में एक कंटेनर है जिसमें दो डिफरेंट लिक्विड भरे हुए हैं। ऊपर आप देखेंगे कि अलग लिक्विड है और नीचे अलग है। ऊपर वाले की जो डेंसिटी है वो है रो, और जो नीचे वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी है टू रो।
अब इसमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दिया गया है। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का आधा वॉल्यूम ऊपर वाले लिक्विड में है और आधा वॉल्यूम नीचे वाले लिक्विड में है। हमें पता करना है, यह भी इक्विलिब्रियम में है, इफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना, जिस मटेरियल से ये सॉलिड बना हुआ है उस मटेरियल की डेंसिटी हमें फाइंड करनी है यहां पर। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग फोर्सेज को बैलेंस करेंगे एट इक्विलिब्रियम। यहां पर कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेटेड नहीं है। तो देखेंगे कि एक तो इस पर नीचे की तरफ इसका खुद का वेट आएगा और बायंसी फोर्स दोनों डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट आएंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां पर जो बायंसी फोर्स आएगा वो आएगा रो इस लिक्विड की डेंसिटी इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम वी बाई टू, यहां वाला वॉल्यूम इंटू जी, ये बायंसी हो गया, इसको मैं एफ वन कह देता हूं। इतना फोर्स इस ऊपर वाले हाफ पोर्शन पर लगेगा और फिर इस नीचे वाले हाफ पोर्शन की बात करें तो इस पर भी बायंसी फोर्स लगेगा ऊपर ही, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू रो इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम वी बाई टू इंटू जी, है ना। तो नीचे वाले पार्ट पर हमने निकाल लिया बायंसी फोर्स, ऊपर वाले पार्ट पर बायंसी फोर्स निकाल लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो उसके सॉलिड ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि एम जी इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। अगर इसका डेंसिटी मान लिया जाए कि सिग्मा है सॉलिड ऑब्जेक्ट का, तो सिग्मा इंटू वी, ये इसका मास हो गया, वी इसका टोटल वॉल्यूम है, इंटू जी इज इक्वल टू एफ वन की वैल्यू रखेंगे रो इंटू वी बाई टू इंटू जी, और एफ टू की वैल्यू यहां से आएगा टू रो वी बाई टू इंटू जी। तो देखेंगे कि यहां से वी जी सब में से कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर बचेगा सिग्मा, यहां बचेगा रो बाई टू, और यहां बचेगा रो, क्योंकि ये टू और ये टू कैंसिल हो गया। तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो आ गया थ्री बाई टू रो। ठीक, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद हम लोग एक और लॉ पढ़ेंगे जिसको कि पास्कल्स लॉ कहा जाता है। पास्कल्स लॉ के हिसाब से अगर कोई कनेक्टेड लिक्विड है, जैसे देखेंगे डायग्राम में कनेक्टेड लिक्विड दिखाया गया है, कनेक्टेड लिक्विड में कहा गया है कि अगर किसी एक पॉइंट पर प्रेशर को चेंज किया जाता है तो उस कनेक्टेड लिक्विड के हर पॉइंट पर उतने ही अमाउंट से प्रेशर चेंज हो जाता है। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो हर जगह प्रेशर बढ़ जाएगा उतने ही अमाउंट से, और अगर प्रेशर घटाएंगे तो हर जगह पर प्रेशर जो है उतने ही अमाउंट से घट जाएगा। तो पहले मैं इस जो लॉ है उसको लिख देता हूं। कहा जाता है कि इफ प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड लिक्विड इज चेंज्ड देन द चेंज इज The change is transferred to each and every point of connected liquid. Connected liquid का मतलब same liquid है और जहां तक वो connected होगा उसके हर point पर जो है उतने से ही
प्रेशर चेंज हो जाएगा बाय, और कह सकते हैं विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉइंट पर प्रेशर चेंज करेंगे तो इस कनेक्टेड लिक्विड के हर पॉइंट पर सेम अमाउंट से प्रेशर चेंज हो जाएगा, है ना, विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड, मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड से चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में कोई कमी नहीं होगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करते हैं आप देखें यहां पर। सपोज ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का ये वाला आर्म जो है ये पतला सा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया स्मॉल है, ठीक, और ये वाला जो आर्म है ये काफी चौड़ा है, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, तो मैं इसको कैपिटल ए सिंबल दे देता हूं। ठीक, अब यहां पर एक पिस्टन लगाया और इस पिस्टन पर हमने एक फोर्स लगा दिया एफ। ठीक, अब देखेंगे आप कि यहां पर हमने छोटा सा फोर्स लगाया और यहां पर एक पिस्टन है, पिस्टन के थ्रू आप देखेंगे कि किसी व्हीकल को ऊपर उठाया जा सकता है, बहुत हेवी वेट उठाया जा सकता है ऊपर, है ना। तो इसको जैसे सपोज ये जो व्हीकल है इसका वेट है W, तो इतने बड़े वेट को उठाया जा सकता है। अगर यहां पर हमने एफ फोर्स लगाया और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, तो यहां पर प्रेशर कितना हमने बढ़ाया था, एफ बाई ए। अगर हमने एफ बाई ए बढ़ाया तो यहां भी उतने से ही अमाउंट से प्रेशर बढ़ा होगा, और यहां का जो प्रेशर बढ़ा होगा वो होगा W बाई कैपिटल ए। W यहां का वेट हो गया इस व्हीकल का, उतना फोर्स लगा होगा, और पिस्टन का एरिया यहां पर कैपिटल ए। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितना प्रेशर यहां बढ़ाएंगे उतना ही वहां बढ़ेगा। तो इस फॉर्मूले से आप देखें कि मैं यहां से एफ की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा W इंटू स्मॉल ए बाई कैपिटल ए। अब ए जो है ये बहुत स्मॉल हमने ले लिया कैपिटल ए से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ए बाई कैपिटल ए जो होगा वन से बहुत छोटा होगा, है ना। अगर ये वन से बहुत छोटा हो गया तो एफ क्या होगा, सो एफ विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन W। मतलब हम थोड़ा सा फोर्स यहां लगाएंगे और यहां पर बहुत ज्यादा हेवी वेट जो है वो उठा सकते हैं, जैसे कि क्रेन होता है, क्रेन में जो हाइड्रोलिक जैक लगे होते हैं, आप देखेंगे एक आदमी हाथ से खींचता है और बहुत बड़ा सा वेट जो है वो क्रेन उठा लेता है, तो वहां पर जो हाइड्रोलिक जैक होते हैं वहां पर यही कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। तो ये पास्कल्स लॉ हो गया, और इस पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग अभी यहां पर करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पर जो पास्कल्स लॉ अभी हमने पढ़ा उस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। अब देखेंगे यहां पर एक ऐसा कंटेनर है जिसमें चार जो है ओपनिंग है, चार ओपनिंग है, लेकिन वहां पर भी एक पिस्टन लगा करके ओपनिंग को बंद कर दिया गया है, है ना, और इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। हमने क्या किया कि चारों पिस्टन पर एफ फोर्स लगाया, चारों पिस्टन का जो एरिया है वो इक्वल है, ए के इक्वल है, है ना। तो हमसे पूछा गया है कि जो सेंटर है, सेंटर पर प्रेशर जो है किस अमाउंट से चेंज हो गया होगा, ये बताना है। तो आप देखेंगे कि अगर हमने यहां एफ फोर्स लगाया और एरिया ए है, तो वहां पर प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा बाई अमाउंट एफ बाई ए, और एक जगह पर अगर इतना प्रेशर चेंज करते हैं तो पूरे लिक्विड में उतना ही प्रेशर चेंज होता है, जैसा कि पास्कल्स लॉ में बताया गया। ठीक, तो इसकी वजह से इतना हुआ। अब आप कहेंगे कि जो यहां पर हमने फोर्स लगाया तो उसकी वजह से भी चेंज हुआ होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमने यहां पर प्रेशर जो है एफ बाई ए से इंक्रीज किया तो यहां भी इंक्रीज हुआ होगा, यहां भी हुआ होगा, यहां भी हुआ होगा, ठीक। और जब हम लोग यहां से एफ बाई ए उतना ही फोर्स इस पिस्टन पर नहीं लगाएंगे तो ये पिस्टन तो उखड़ जाएगा बाहर, यहां से वाटर निकलने लगेगा। तो ऐसा समझ सकते हैं कि इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ है,
और इंक्रीज होने की वजह से पिस्टन पर एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था, उस फोर्स को जस्ट बैलेंस करने के लिए हमने तीन फोर्सेज यहां से साइड में लगा दिए हैं। तो बाकी क्या होगा, पूरे लिक्विड के अंदर जो प्रेशर चेंज हुआ होगा वो सिर्फ एफ बाई ए हुआ होगा, है ना। उसी तरह से आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि इस पर हमने फोर्स लगाया तो एफ बाई ए से यहां पर इंक्रीज हो गया, यहां इंक्रीज हुआ तो हर जगह इंक्रीज हो गया होगा, और उसकी वजह से ये अनबैलेंस्ड हो गए, तो इनको बैलेंस करने के लिए एफ फोर्स हमें अलग से लगाना पड़ा। तो वो समझे कि वो जो तीन फोर्स लगाए हमने वो प्रेशर बढ़ाने के लिए नहीं लगाया है, बल्कि जो प्रेशर बढ़ गया था उसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ लगाया है। यानी इस लिक्विड में जो प्रेशर चेंज हुआ है वो हुआ है एफ बाई ए, एफ बाई ए से प्रेशर बढ़ा है, तो सेंटर पर कह लें या किसी भी पॉइंट पर कह लें जो प्रेशर में जो चेंज हुआ है वो केवल एफ बाई ए हुआ है।